इस अगले गाने से पहले मैं मम्मी जी से पूछना चाहूंगा, मम्मी जी ये जो अगला गाना है ये खास तौर पे आपकी फरमाइश है मैंने सुना। मस्त गाना है, मुस्कुराहट देखिए चेहरे पर। All credit to her. She brought Kavali back and it was rocking. Fantastic. एक बार जोरदार तालियां फारा मैम के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये गाना जो कि खास तौर पे फारा मैम की मम्मी ने फरमाइश किया है, इस पर परफॉर्म करने आ रहे हैं धर्मेश सर के ढिनचैक से ऋतुराज और वैष्णवी। ऋतु वैष्णु दू अच्छे से। ऋतु वैष्णवी तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। राही जाना दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क की दुनिया में यारों ख्वाबों की आबादी, हो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारे ये नजारे ये दीवानी ये परवाने इश्क में कैसे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। अरे ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अरे सुपर सुपर परफॉर्मेंस सुपर। आंटी जी यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको? अच्छा हुआ तू तेरा जन्म नहीं हुआ था, नहीं तो फारा को तू मार ही देता। मस्त एंड इवन यू वैष्णवी धर्मेश वेरी गुड वेरी नाइस। यार वैष्णवी तुम्हारे जो कार्टव्हील्स हैं और जो स्टंट्स हैं इतने क्लीन हैं और तुम्हारे टोज पॉइंटेड रहते हैं और इतना ग्रेसफुली तुम इतनी जो उठक पटक है कभी कभी लड़कियों पे अच्छी नहीं लगती है लेकिन तुम इतनी क्लीनली इतनी ग्रेसफुली करते हो। रितु से भी क्लीन तुम फ्लोर वर्क कर रही थी। रितु यार तू तो है ही छोटा हीरो, एकदम साउथ इंडियन हीरो लगता है एकदम। थैंक यू। क्या एक्सप्रेशन। हाँ एक्सप्रेशन तो माइंड ब्लोइंग। और वही डेजी आंटी समटाइम्स व्हाट हैपेंस बच्चे इतना एक्सप्रेशन बनाते इरिटेटिंग हो जाता है बट बोथ ऑफ देम वर वेरी क्यूट दे वर नॉट इरिटेटिंग। धर्मेश संदीप करे या ना करे हैट्स ऑफ यार। थैंक यू। दिस डांस उनका तो बचपन से डांस कर रहे हैं, छोटे हैं पर उससे पहले से डांस कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग परफेक्ट
मूवमेंट्स परफेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. थैंक यू सर. वैसे आंटी मैं आपको एक बात खास तौर पे यहाँ बताना चाहता हूँ. ये दोनों ने एक दूसरे को एक नाम दिया है, भालू और वो पेंसिल. हाँ जी. ये शार्पनर होना चाहिए. अच्छा, और वैसे फारा मैम जो है बचपन में वो पेंसिल थी कि भालू थी? अगर इन दोनों में से एक पेट नेम देना हो इनको तो वो कौन सा होगा? साइज के हिसाब से पेंसिल थी, बहुत ही पतली थी. बहुत पतली थी. नहीं डेजी? हाँ, हम सब पतले थे मम्मी बचपन में. हम हाँ, मैं भी बहुत पतली थी. जवान डेजी आंटी भी. हाँ अभी हो रही है. अभी तो फारा नहीं बोलते हैं हम लोग, किसको दूसरे नाम से बुलाते हैं. खैर मैं उसको दूसरे नाम थाड़ा. थाड़ा, ये नया नाम पता चला फारा मैम. कोरियोग्राफी में सबको फाड़ा. वाह वाह, सुपर सुपर सुपर. करेक्ट नेम, करेक्ट करेक्ट नेम. आज वैसे फारा मैम के बहुत से राज हमें यहाँ पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच धर्मेश सर. थैंक यू. थैंक यू बॉयज.